हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरगोदा के कुलदीप नगर में 4 वर्ष के बच्चे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक खरगोदा की कुलदीप नगर कॉलोनी में 4 वर्ष की अचानक मौत हो गई। जैसे ही 4 वर्षीय लड़के कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो घर वाले घबरा गए और उसे खरगोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर चले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की सूचना खरगोदा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि बच्चे की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद होगा, इसके बाद कानूनी कार्यवाही की जाएगी। खेतों से ट्रांसफार्मर चोरी, किसान को नुकसान। खरखोदा थाना कला गांव के खेतों से चोर ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए हैं। मामले की शिकायत SDO बिजली निगम की ओर से पुलिस को दी गई है, जिस पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SDO बिजली निगम सैदपुर अशोक कुमार का कहना है कि थाना कला के खेतों में किसान बलबीर के नाम से एक 25 KV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। किसान ने उन्हें बताया कि कोई ट्रांसफार्मर को चोरी कर ले गया है, जिसकी शिकायत उनकी तरफ से पुलिस को दी गई है। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरखोदा शहर के रोहतक मार्ग पर नारायण आश्रम के पास एक ऑटो को पीछे से सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार 2 लोगों को चोट आई है। ऑटो चालक की शिकायत पर पुलिस ने सेंट्रो कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिसाना निवासी देवेंद्र का कहना है कि वह अपने ऑटो में सवारी बैठा कर खरखोदा से सिसाना की ओर चला था। जब वह नारायण आश्रम के पास पहुंचा तो पीछे से तेज रफ्तार से आ रही सेंट्रो कार ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे उसका ऑटो आगे ईंटों में जा घुसा। हादसे में ऑटो सवार कदरीगंज जिला रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी अभिषेक व सिसाना निवासी विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य को कम चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर PGI रोहतक रेफर कर दिया गया। शिकायत पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपालपुर में महिलाओं के स्वास्थ्य कैंप लगाया। गर्भवती महिलाओं व शिशुओं की मां को पौष्टिक आहार जरूरी। रविवार को खरखोदा से गोपालपुर गांव के हरिजन चौपाल में अमर सेठी अस्पताल व ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के सहयोग से महिलाओं के लिए चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें गाँव की 37 महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस मौके पर महिला डॉक्टर सरिता ने महिलाओं की जांच की व उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को कहा कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सजग व जागरूक रहें। किसी भी महिलाओं को उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तकलीफ है तो वह तुरंत इसकी जाँच कराए, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को कहा कि वे थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पौष्टिक आहार लेते रहें, रसीले पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को अच्छे से विकास हो सके और बच्चा हष्टपुष्ट पैदा हो। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जाँच कराते रहना चाहिए। इस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जच्चा बच्चा स्वस्थ रह सकते हैं। 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऊपरी आहार बच्चे को ना दे। माता को ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित व पौष्टिक आहार लेना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक आहार के बाद बच्चा दूध पीता है, बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जो बच्चे के जीवन के लिए लाभदायक रहती है। माँ का दूध अमृत के समान है, इसलिए गर्भवती महिला व शिशु की माँ को ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। शहर के सरकारी हॉस्पिटल में रविवार को 2 दिवसीय दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अक्षेत्र के दिव्यांगों ने पहुंचकर अपने प्रमाण पत्र बनवाए। इस दौरान 86 दिव्यांग अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे, जिसमें से 56 ने अपनी विशेषज्ञ से जांच करवाई। खरखोदा के सरकारी अस्पताल में रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1-2 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के दिव्यांगों ने पहुंचकर अपने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस अवसर पर 86 दिव्यांगों ने वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 56 का परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया, जबकि 5 को हायर अथॉरिटी के पास जांच के लिए रेफर किया गया। सोमवार को भी अक्षेत्र के दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया जाएगा, जिसमें हिस्सा लेकर दिव्यांग अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जांच करा सकते हैं। इस दौरान डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश गोयल, SMO डॉक्टर सत्यपाल,
SMO डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर गौरव भूपेंद्र नैन, नाक कान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप लाखड़ा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन दलाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास चहल, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर शिलेंद्र, डॉक्टर नितिन फलसवाल व शिविर ऑब्जर्वर सुनील खोखर आदि मौजूद रहे। मंडोरा गांव को लिया गोद, स्वच्छता को लेकर संत निरंकारी मिशन आया आगे। चेयरमैन राजवीर दहिया ने किया पौधारोपण। स्वच्छता अभियान के तहत संत निरंकारी मिशन द्वारा खरखोदा ब्लॉक के गांव मंडोरा को स्वच्छ बनाने की एक पहल की गई है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के जन्म दिवस पर स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान प्रोजेक्ट अमृत के तहत तालाबों व जल घरों के पानी व किनारों की सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। इस मौके पर स्वच्छता अभियान के साथ साथ गांव में मुख्य अतिथि चेयरमैन राजवीर दहिया द्वारा पौधारोपण भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे संत निरंकारी मंडल के अधिकारी राधेश्याम, पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया व विकास परिषद से DP गोयल, मंडोरा गांव के सरपंच अनिल कुमार व सह संयोजक शिव मोहन एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर खरखोदा ब्लॉक के पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया ने कहा कि जिस तरह से मंडोरा गांव को गोद ले संत निरंकारी मिशन द्वारा स्वच्छ बनाने का फैसला लिया गया है और स्वच्छता अभियान शुरू करके गांव के तालाबों को व उसके आसपास गंदगी को हटाया जा रहा है, यह कदम बहुत ही प्रेरणादायक है। इस तरह की योजना से पूरा देश स्वच्छ हो सकता है। जो व्यक्ति साधन संपन्न है या जो संस्था कुछ कर गुजरना चाहती है, इस तरह से ऐतिहासिक कदम उठाकर वह आगे बढ़ सकते हैं और गांव को स्वच्छ बना सकते हैं, गांव को जागरूक कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अन्य संस्थाओं से भी अपील की है कि इसी तरह से अलग अलग गांव को गोद लेकर गांव को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, तालाबों को सुंदर बनाने में अहम योगदान दें, पीने के पानी को स्वच्छ रखा जा सकता है, इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज मैंने कई गांव में देखा, लेकिन इस गांव में मैंने सबसे अच्छा देखने को मिला कि हमने अगर 100 पेड़ लगाए हैं तो 100 के 100 पेड़ की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। ये मेरे को कहीं देखने को नहीं मिला, केवल इस गांव के अलावा। और आज हमारी जो निरंकारी मंडली है, मंदिर में भी देखा, मैंने देख रहे हैं वहाँ देखा, तो एक बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है कि हमने जल के बारे में, वायु के बारे में, अब कोरोना के टाइम पर देखा ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, लेकिन इस निरंकारी मंडली ने जो यू अभियान जो चला है, जल बचाव वाला और अच्छा जल दूषित नहीं हो और अच्छी वायु, ये मैं मानता हूँ कि ये हमारे एरिया में निरंकारी मंडली ने जो पहल की है, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही इसमें मंडली में जो हमारे भाई बहने बच्चे हैं, ये बहुत ही विश्वसनीय है और इसके होते नहीं, ये मंडली उसको कहीं एक जगह दबा देती है, जिससे फूकने से ये अपना जो पॉल्यूशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ता है और सांस की बीमारी और कई ऐसी बीमारी है जो भयानक बीमारी है इसको चलाने से। तो आज भी आपने अभियान में मेरे को बोलने का और आने का जो मौका दिया, तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कल्पना चावला, विद्यापीठ, खांडा रोड, खरखोदा। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत, हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के खेलों पर भी फोकस, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो, शूटिंग व एथलेटिक्स में विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर तक मेडल हासिल किए। छात्रों को शिक्षा, सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे के व्यवहार में काफी बदलाव आता है। विद्यालय में साप्ताहिक हवन के माध्यम से बच्चे को संस्कारमय वातावरण के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाता है। छात्रों के लिए स्पेशल वैदिक मैथ्स लागू किया गया है, जो उनके मानसिक विकास के लिए लाभदायक है।
केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स नेचर अबंडेंट कैंपस डे स्कॉलर डे बोर्डिंग फैसिलिटीज सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड अकेडमियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड करिकुलम स्मार्ट क्लासेस लैंग्वेज लैब एक्सलेंट टीचर्स एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग बच्चों के झूले छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था आधुनिक स्मार्ट टीवी कंप्यूटर लैब फिजिक्स लैब बायो लैब केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू ट्वेल्थ सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार शिक्षा टेक्नोलॉजी खेल स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर डॉक्टर लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी फिलर्स बोटॉक्स केमिकल पीलिंग मेसोथेरेपी पीआरपी माइक्रो डर्मा ब्रेसन डर्मा रोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 705-651-1111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।